हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनीम की बात। आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डेमन स्लेयर का। ये मेरा पहला रिव्यू वीडियो है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये जो रिव्यू होने वाला है ये मैं स्पॉइलर फ्री करूँगा, ताकि अगर किसी ने अभी तक ये एनीम नहीं देखा है और वो इस एनीम को देखने का प्लान कर रहे हैं तो उन्हें कोई स्पॉइलर्स ना मिल जाए। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एनीम की कहानी कुछ इस तरह की है कि इसमें जो अपना हीरो रहता है ये अपनी फैमिली के साथ जंगल के पास रहता है, और इनका जो पूरी फैमिली है वो जंगल से लकड़ियाँ काट के शहर में बेचती है और उससे जो पैसे मिलते हैं इससे इनका घर परिवार चलता है। एक दिन तांजिरो, जो कि इस एनीम का प्रोटैगनिस्ट है, वो जंगल से लकड़ियाँ काट के शहर में बेचने जाता है, और शहर में लकड़ियाँ बेचते बेचते इसे काफ़ी लेट हो जाता है। तो ये वापस आते टाइम इसे रास्ते में एक घर दिखता है, तो उस घर में जो इंसान रहता है वो इसे बुला लेता है कि मेरे घर में आ जाओ, क्योंकि बाहर डेमन्स घूमते रहते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। तो वो बोलता है कि डेमन्स घूमते रहते हैं कि क्या वो हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते? तो बोलता है वो घर के अंदर भी आ सकते हैं। तो तांजिरो बोलता है इस तरह से तो हम अंदर रहें बाहर रहें वो सबको मार देंगे। तो वो जो इंसान रहता है वो उसे समझाता है कि दुनिया में डेमन स्लेयर्स भी रहते हैं जो कि इन डेमन्स को मारते रहते हैं और हमें इन डेमन्स से बचाते हैं। तो वो फिर उसके घर में सो जाता है। फिर अगले सुबह वो उस घर से निकलता है और अपने घर के लिए जाता है। तो वो देखता है कि उसके घर में जो सभी लोग थे वो सारे लोग मर गए हैं, उसकी एक छोटी बहन को छोड़ के जो कि एक डेमन में कन्वर्ट हो गई है। और उसकी जो छोटी बहन है अब वो उसे मारने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पे एक डेमन स्लेयर आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके कारण ये एनीम बना होता है। होता कुछ इस तरह से है कि वो जो डेमन बन जाती है वो अपने भाई को बचाती है, और उसका भाई जो रहता है वो डेमन को बचाता है। अब अपना जो हीरो है उसका मेन गोल ये है कि उसे अपनी बहन को एक डेमन से फिर से वापस इंसान में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए वो पहले तो ट्रेनिंग करता है, और उसके बाद जब वो स्ट्रांग हो जाता है तो वो डेमन स्लेयर वो खुद भी बन जाता है, और उसके बाद वो डेमन के साथ घूमता रहता है। अब यही कहानी है कि आगे बढ़ती है, अब एक डेमन स्लेयर और एक डेमन एक साथ रह रहे हैं, और अब इन दोनों के बीच में पब्लिक जो है, जो डेमन स्लेयर कॉर्प्स है या फिर जो डेमन्स है, वो दोनों इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है, अपने हीरो को और भी लोग मिलते हैं जो इसके कुछ दोस्त बन जाते हैं, कुछ बेवकूफ लोग मिलते हैं, कुछ ताकतवर लोग मिलते हैं। इसे फाइनली पता चल जाता है कि कौन सा डेमन था जिसने इसकी बहन को उसमें कन्वर्ट किया था डेमन में, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही डेमन है जो नॉर्मल इंसान को डेमन में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद उनसे अपना काम करवाता है। अपने हीरो को उसी डेमन को ढूंढना है और उससे पता करना है कि वो किस तरह से अपनी बहन को वापस से नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट कर सकता है। ये तो हो गई एनीम की कहानी की बात। इसके अलावा एनीम का जो पेस है वो बिल्कुल सही है, थोड़ा सा फास्ट है लेकिन फिर भी बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती पेस के साथ आपको अडॉप्ट करने में। उसके अलावा एनीम में बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, थीम इसका काफी डार्क है, लेकिन जो एनीम है वो इतना ज्यादा डार्क नहीं है। बीच बीच में फनी मोमेंट्स डाल दिए हैं, बीच बीच में काफी बहुत अच्छे बैडएस सीन्स डाले हैं, जिसके कारण एनीम देखते टाइम आपका इंटरेस्ट बना रहता है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ आप इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ कॉमेडी के लिए एनीम में डाला गया है, और वो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसके कारण एनीम में जो है वो डार्क नहीं हो पाता है, काफी मजेदार एनीम रहता है। इसके अलावा एनीम का जो एनिमेशन है वो भी टॉप क्लास है, अगर सबसे अच्छा नहीं होगा सारे एनिम्स में तब भी वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन डेमन स्लेयर का है। इसके अलावा एनिम की अभी जो मूवी आई है म्यूगन ट्रेन, वो भी कैनन मूवी है, और अब तो इंडिया में पीवीआर में रिलीज भी हो गई है, तो अगर आप उस मूवी को देखना चाहते हैं तो उसे जाके देख सकते हैं। मैं अभी देख के आया हूं, तो मूवी बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी देखा था लेकिन अभी मैंने पीवीआर में भी इसे देखा है फिर से। और जो चीजें मैंने आपको एनिम के बारे में बताई हैं ये सारी की सारी चीजें एनिम के शुरू के एक दो एपिसोड्स में हो गई हैं, तो एनिम जो है वो आपको बहुत सारी चीजें रह गई हैं देखने के लिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको बहुत सारे स्पॉयलर्स में गए, मैंने जितनी चीजें आपको एनिम के बारे में बताई हैं वो सारी चीजें सिर्फ एक या दो एपिसोड में हो जाती हैं सारी की सारी चीजें। तो आई थिंक रिव्यू यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें। अगर आप एनिम देखने वाले हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप एनिम देखने वाले हैं, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।